प्यारे बच्चों, अभी आपको हम एक फिजिक्स का मैथ दिए हैं। इस कम्प्लीटली मोशंस चैप्टर, इस मैथ इज कम्प्लीटली फॉर मोशंस चैप्टर, वेयर इज यूनिफॉर्म वेलोसिटी इज देयर, एक्सेलरेशन इज देयर। सो प्लीज गो थ्रू द क्वेश्चन। ए साइक्लिस्ट रनिंग विथ ए यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड इज 84 मीटर बिहाइंड एन इंजिन व्हिच इज जस्ट स्टार्टिंग from rest with a uniform acceleration of 2 meter per second square. When will the cyclist meet the engine? Explain the double answer. इसके मतलब क्या पहले समझने की कोशिश कीजिए। एक साइकिलिस्ट खड़े हैं और एक इंजन भी खड़ा है, दोनों का डिस्टेंस कितना है? 84 मीटर। साइकिलिस्ट सोचा क्या हम इंजन ट्रेन को टपक जाएंगे, तो इंजन स्टार्ट करने के समय साइकिलिस्ट स्टार्ट कर लिया। साइकिल जो स्टार्ट किया उसका स्पीड था कितना? 20 मीटर पर सेकेंड। इट इज अ यूनिफॉर्म स्पीड। एंड इंजन का रेस्ट से स्टार्ट कर रहा विथ एन एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका मतलब क्या है? वो स्पीड में आके इंजन को जरूर क्रॉस करेगा, इसका इंजन का स्पीड बढ़ेगा, इंजन उसको क्रॉस करके चला जाएगा। यही चीज आपका मेन चीज है। तो आप देखिए इसको मैंने कैसे करके करते हैं। तो फर्स्ट अगेन यू कम टू द क्वेश्चन। ए साइक्लिस्ट रनिंग विद ए यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड इज 84 मीटर। द सी इज द पोजीशन ऑफ साइकिल। आई हैव रिटन ऑलरेडी हियर। सी इज द पोजीशन ऑफ साइकिल, इज द पोजीशंस ऑफ इंजन। एंड नाउ देयरफॉर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सी इज इक्वल टू 84 मीटर व्हिच आई हैव रिटन हियर। लेट दे मीट एट ओ। हियर ए मीट मतलब यहां पर जब स्टार्ट हुआ था यहां पर इंजन था, ये स्टार्ट करके आगे जा रहा तो इंजन भी तो थोड़ा कुछ आगे जाएगा, यहाँ पर आके वो उसका मिल रहा है। इसके बाद ये थोड़ा आगे जाएगा, फिर कहीं जाके इंजन जो है क्रॉस करके निकल जाएगा, वो इसीलिए बोलता डबल आंसर। तो क्या बोला इसके बाद? फ्रॉम रेस्ट विथ ए यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर व्हेन विल द साइक्लिस्ट मीट द इंजिन। साइक्लिस्ट मीट द इंजिन, एक्सप्लेन द डबल आंसर। तो मैंने आपको इतना दूर तक बोल दिया ओ आफ्टर टाइम टी सेकेंड्स अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। देयरफॉर सी ओ इक्वल टू 20 टी, क्योंकि 20 मीटर पर सेकेंड में जा रहा तो 20 सेकेंड टी सेकेंड में जाएगा। 20 इंटू टी सेकेंड, एक सेकेंड में 2 मीटर, 20 मीटर, 2 सेकेंड में 20 इंटू टू, 3 सेकेंड में 20 इंटू थ्री, तो टी सेकेंड में 20 इंटू टी सिंपली। एंड नाउ यू सी ई ओ इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर, क्योंकि यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर व्हेन यू स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट दैट मीन्स यू इक्वल टू जीरो, सो हाफ ए टी स्क्वायर इज द रेस्ट। नाउ वी नो दैट सी ओ इक्वल टू सी ई प्लस ई ओ, दैट मीन्स 84 प्लस टी स्क्वायर। व्हाई इट इज टी स्क्वायर? हाफ इंटू टू टी स्क्वायर, देयरफॉर हाफ ऑफ टू 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 एंड टू कैंसिल, टी स्क्वायर इज रेस्ट। तो सी ओ इक्वल टू सी ई प्लस ई ओ, 20 टी इक्वल टू 84 प्लस टी स्क्वायर। नाउ आई ब्रॉट हियर हियर ए टी स्क्वायर माइनस 20 टी प्लस 84, आई हैव ब्रेकन इट। एंड यह जब माइनस है या प्लस है जितना दोनों ही माइनस होगा, तो टी स्क्वायर माइनस 60 माइनस 14 टी प्लस 84 इक्वल टू जीरो। मिडिल टर्म फैक्टर किए मैंने, तो टी माइनस 6 एंड टी माइनस 14 मिला, टी माइनस 6 एंड टी माइनस 14। तो आप देखिए टी माइनस 6 एंड टी माइनस 14 में क्या हो गया, आपका टी इक्वल टू 6 एंड सेकेंड एंड 14 सेकेंड आपको मिल गया। तो आप इसके बाद आप क्या कीजिएगा, देखिए टी इक्वल टू 6 एंड टी इक्वल टू 14 स्क्वायर मिल गया आपको, तो 14 सॉरी टी इक्वल टू 6 एंड टी 14 सेकेंड। तो फर्स्ट साइकिलिस्ट ओवरटेक द इंजन आफ्टर 6 सेकेंड। आफ्टर 6 सेकेंड मतलब वो 20 मीटर 120 मीटर चल गया, 120 मीटर चल गया। तब तक वो जब उतना दूर तक आया था इतना समझने की कोशिश कीजिएगा। इसके बाद इंजन का स्पीड बढ़ गया, इंजन क्या किया, इसके बाद जब स्पीड बढ़ा साइकिलिस्ट को ओवरटेक करके आगे चल दिया। बस यही है मैथ। आपने क्वेश्चन को जरा समझिएगा, क्वेश्चन करिएगा, देखिएगा आपका मैथ पूरा ठीक होगा। यदि आपको मेरा समझाना अच्छा लगे आप अपना दोस्त में जरूर शेयर कीजिए, और जिन्होंने अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। यदि कोई भी डाउट होगा आप हमारा कमेंट बॉक्स में बोलिएगा, हम जरूर कर देंगे। थैंक यू वेरी मच।